एक्सरसाइज 56 का क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोग के पास, और इसमें क्या कह रहा है, ए रिबन रोल इज इतना मीटर लॉन्ग, इतना मीटर और इतना सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब एक रिबन रोल, एक फीता का गोला जो है वो इतना मीटर लंबा है। इट इज़ शेयर्ड इक्वली बाय 9 गर्ल्स, और इसको 9 लड़कियों में बराबर बराबर बांटना है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच गर्ल, तो फिर एक लड़की को कितना लंबा फीता उसको मिलेगा। तो इसको जो है 9 से अगर हम इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ, और इसमें जो चीज़ें दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ ये रिबन रोल, एक रिबन रोल की जो लंबाई है जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं 25 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। उसके बाद शेयर्ड इक्वली बाय 9 गर्ल्स, और 9 लड़कियों के बीच इक्वली जब बांटा जाता है तो इस तरह से ये जो नंबर है हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में लिख लिए हैं और इसको डिवाइड करते हैं। तो 9 का टेबल पढ़ने से 25 कितने बार में आएगा, तो आने वाला नहीं है, 9 3 जा 27 होता है, तो 9 2 जा 18, मतलब दो बार में जाएगा 18 हो गया यहाँ पे। तो ये बच गया 5 और 2 7 हो गया, तो यहाँ पे कट गया। अब पॉइंट वाला हम नंबर लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, और ये 2 यहाँ पे आ गया, तो 9 8 72 होता है, 8 बार में कम्प्लीटली ये कट गया। और ऊपर में 0 बचा हुआ है तो ये 0 आएगा। ऊपर से कोई भी नंबर नीचे जब आता है और डिवाइड नहीं जाता है तो यहाँ पे 0 लगता है, तो यहाँ पे एक 0 लगा दिए। तो यहाँ पे प्रत्येक गर्ल को कितना लेंथ रिबन मिला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर ऑफ ईच गर्ल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.80 मीटर में दिया हुआ है, बड़ा जो यूनिट है उसको लेंगे इतना मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 56 का क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोग के पास, और इसमें क्या कह रहा है, ए डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर इज कवर्ड इक्वली इन 4 डेज बाय ए पर्सन ऑन फुट, एक व्यक्ति के द्वारा पैदल चलकर 4 दिन में इतना दूरी तय किया गया, वो इतना दूरी चलता है 4 दिन में, हाउ फार डज ही वॉक ईच डे, तो फिर वह एक दिन में कितनी दूरी तय किया। एक दिन का निकालना है तो इस नंबर को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 4 डेज, 4 दिन में कुल दूरी कितनी तय की गई उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया है, 4 दिन में कुल दूरी इतनी तय की गई, इतना किलोमीटर, कवर्ड डिस्टेंस इन ईच डे, तो प्रत्येक दिन कितनी दूरी तय हुआ। तो यहाँ पे इस नंबर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में हमने लिख लिया है, इसको डिवाइड करते हैं तो 1 बार में जाएगा, 4 1 4 हो गया, ये कट गया, फिर ये 8 नीचे आया, और 4 2 8 हो गया, ये भी कट गया। अब हम पॉइंट में जा रहे हैं तो यहाँ पॉइंट लिख देते हैं, पॉइंट दे देते हैं यहाँ पे, और ये 0 लिए लेकिन ये जा नहीं रहा है, इसलिए फिर से 0 लेंगे और फिर दूसरा नंबर लेंगे, यहाँ से 9 लिए तो 4 2 8 हो गया, और यहाँ पे बच गया 1, और फिर ये 6 यहाँ पे नीचे आ गया, और 4 4 16 होता है, तो यहाँ 4 आएगा और ये 16 से ये कम्प्लीटली ये 16 में कट जाएगा, तो यहाँ पे ये नंबर आ गया। तो इतना जो है वो किलोमीटर है, मतलब एक दिन का डिस्टेंस कितना तय हुआ, एक दिन में इतना डिस्टेंस कवर किया गया। तो यहाँ पे यही इसका आंसर हो जाएगा, 12.024 किलोमीटर, ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं।